और इस वक्त मुलायम सिंह यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रत्याशियों की एक सूची जारी करते हुए। उनको बेचारों को 5 साल बाद मौका मिलता है, 5 साल काम करते हैं पार्टी का, लगन से बहुत तरीफे भी झेलते हैं, बहुत की पिटाई भी पुलिस करती है, जिला प्रशासन करता है, जेलों में डालता है, सब कुछ करता है, 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, तो चाहते तो सभी टिकट हैं लेकिन दे पाएंगे 403 और जो बच जाएगी उनको कहीं ना कहीं हम सम्मानित करेंगे। जिनको टिकट नहीं मिला है तो उनका भी हम जनता के बीच कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे, लेकिन आपके सामने कोई प्रश्न दे नहीं सकते, थी सीटें आपको दे दी जाएंगी। है इंतजाम का नहीं है तो फिर ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता हमने आपके सामने किए हैं और अब इसको पढ़ना का ये तो आप नेताजी आप ये कुछ कहते रहे, कुछ मंत्री आप खुद कहते रहे कुछ मंत्री काम ठीक नहीं कर रहे, ऐसे कुछ मंत्रियों के नाम आपने इसमें काटे हैं लोग का बता दीजिए। ये कैसे बता देंगे, ये बताने की बात थोड़े है क्या, हम किसी मंत्री को अगर मान्य टिकट नहीं दे पा रहे हैं मान लो तो हम अपमानित करेंगे, हम उसको अब क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं। नहीं बता सकते हैं ये कैसे बता दें, उससे मंत्री का कोई अपमान करेंगे। अरे आखिर मंत्री है, मिली भी रहे टिकट अगर नहीं मिला होगा किसी को तो कहीं के इसको सम्मानित कर देंगे। हमारी पार्टी में अभी तक इतने चुनाव हुए कभी भी पार्टी में विवाद नहीं हुआ, आपने बातचीत तो की है लेकिन पार्टी में अखबार में कहीं भी विवाद नहीं आपको पढ़ने को मिला, इतने बार हमने टिकट बांटे हैं तो हम जानते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अनुशासित हैं, जिनको टिकट मिल जाएगी जिनको नहीं मिली है उनके सामने उनकी जिम्मेदारी है उनसे सबसे पहले मिले, उन्हें सम्मान दें कि भाई टिकट आपको नहीं मिल पाया हमें मिला आप मेरी मदद कीजिए, ये सब करेंगे कार्यकर्ता हम बुला के कह देंगे। इसलिए आपको पूरे नाम दे दिए जाएंगे, फाइल है दिखा दो, अरे भाई ने नेताजी।